हाय गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आलिया एक्ट्रेस में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी ये जो व्लॉग आप लोग मेरा देख रहे हैं, लो ये नए वाले फ़ोन में देख रहे हैं लो, जो कि मैं कल लेकर आई थी। और ये वाला जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं लो, ये इसी फ़ोन के कैमरे से बन रहा है, इसी फ़ोन से शूट हो रहा है नए वाले से। और ये वाला मोबाइल यहाँ पर पड़ा है, देख सकते हैं लो। ये मेरा पहला फ़ोन है जिस फ़ोन से बहुत प्यार करती हूँ उससे। जी हाँ, तो ये है रियलमी का फ़ोन, जो कि मेरे लाइफ का पहला फ़ोन है ये। और इसको मैं बहुत, एक होता है ना, इंसान तपस्या से लेता है, वो तपस्या से मैं मोबाइल ली हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरा तपस्या, बहुत इसके वजह से, मतलब एक नहीं होता है कि उस टाइम स्कूल टाइम था मेरा, और मैं बता रही हूँ मैं 9th में नहीं थी, हाँ 9th से मैं 10th में आ चुकी थी। फर्स्ट ही था, मतलब 10th का फर्स्ट ही था, फाइनल एग्ज़ाम हुआ 9th में और तुरंत मैं 10th में आई। उसके बाद से मैं देखती थी ना, सबके पास फ़ोन था, तो मेरा भी बहुत दिल हुआ करता था मेरे पास भी फ़ोन हो, मतलब बहुत मन करता था दूसरों को फ़ोन चलाते हुए देख के। ऐसे मैं चलाती थी फ़ोन, अम्मी का फ़ोन था, एक सैमसंग का इतना ही बड़ा फ़ोन था उस टाइम, बहुत ज़्यादा सैमसंग गैलेक्सी कुछ ऐसा करके फ़ोन निकला था, जो कि अब्बू लेकर आए थे बाहर से। तो उस टाइम वही अम्मी का ही फ़ोन यूज करती थी। ऐसे जब लॉकडाउन लग गया ना, तो लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास भी मैं अम्मी के ही फ़ोन से किया करती थी। तो लॉकडाउन लगा था 8th क्लास में, जब मैं 8th क्लास में थी, मतलब 7th से जब मैं 8th क्लास में गई थी, तब लॉकडाउन लगा था। मैं 9th में थी, तो ऐसे दूसरों, मतलब अपनी भी फ्रेंड सबको देखती थी, सबके पास फ़ोन होता था, मेरे पास फ़ोन नहीं होता था। खैर कोई बात नहीं, लेकिन 9th में चल गया। फिर 10th में आते आते मैं सोची कि नहीं, मुझे एक मोबाइल लेना है। तो फिर ये फ़ोन मैं फ्लिपकार्ट पर से मंगाई थी, क्योंकि उस टाइम फ़ोन के बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं था, मतलब उस टाइम मुझे कुछ पता नहीं था क्या रियलमी है क्या रेडमी है, अभी भी उतना कुछ नहीं पता है, उस टाइम तो बिल्कुल पता ही नहीं था। उस टाइम बस ये था ना कि हाथ में एक फ़ोन आ जाए, जैसे सबके पास फ़ोन रहता है वैसे मेरे पास भी एक फ़ोन आ जाए। 7th 8th क्लास तक, 9th क्लास तक मुझे उतना फ़ोन का कोई शौक नहीं हुआ, लेकिन जब मैं 10th में आई, तो 10th में फर्स्ट ही में जब मैं आई, तो आते आते मुझे एक फ़ोन लेना था। तो फिर अम्मी से मतलब बहुत ज़िद करना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम अम्मी कह रही थी जैसे, हाँ आप फ़ोन लोगी, ये वो, मतलब हज़ार तरह की बातें होती है। तो फिर ऐसे, लेकिन मेरे, मतलब मेरे माँ बाप किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किए हैं, मतलब लेट से सही, थोड़ा ज़िद करने के बाद सही, पूरा ज़रूर करते हैं, तो पूरा ज़रूर करते हैं। और फिर ये फ़ोन मेरे हाथ में आया था, ये मैं ऑर्डर की थी, मेरा स्कॉलरशिप का पैसा उस टाइम आया था, जब मैं स्कूल टाइम में थी तो स्कॉलरशिप का पैसा आया करता था, और 10th तक तो आया ही है, मतलब मेरे ख्याल से ज़्यादा तो नहीं, 2-3 बार आया है स्कॉलरशिप का पैसा। तो एक बार आया था तो मैं कुछ काम की थी घर ही का, हाँ एक बार स्कॉलरशिप का पैसा आया था ना, तो मैं मशीन खरीदी थी लॉकडाउन में। हाँ अब ये भी बता दे रही हूँ, टॉपिक पे टॉपिक आया तो, मतलब टॉपिक बात छिड़ा तो बता दे रही हूँ। तो लॉकडाउन जब लगा था, जब मैं 8th क्लास में थी ना, तो उस टाइम अम्मी मेरे को सिलाई सीखने के लिए भेजती थी, जैसे उस टाइम सिलाई सीखने का मन होता था, आदमी कुछ नहीं सीखा रहता है तो एक होता नहीं है कि हाँ हम भी सीखें, तो उस टाइम, अब तो खैर सिलाई करने का मन नहीं करता है, तो उस टाइम सीखने का बहुत बहुत एक होता ना सर पे सवार था कि हाँ मुझे भी सिलाई सीखना है, मुझे भी अपना सूट सिलना है। तो उस टाइम 8th क्लास में थी तो मैं सिलाई सीखी, तो जब उस टाइम स्कॉलरशिप का पैसा आया था तो मैं अपना सिलाई मशीन खरीदी थी, जो कि अभी भी है, और 5000 ही आता था स्कॉलरशिप का पैसा। तो खैर उस टाइम, मतलब 5000 उस टाइम क्या, अभी क्या, 5000 बहुत हुआ, एक बहुत बड़ा अमाउंट हुआ मेरे लिए, छोटा नहीं हुआ, एक 1000 भी बहुत बड़ा अमाउंट हुआ, क्योंकि बहुत, जैसे 500 रुपये, 1000 तो मैं बहुत दूर का बात कर दी, अगर 500 रुपये किसी से मांगने जाओ तो कोई जल्दी टाइम पे देगा नहीं, तो 5000 तो फिर बहुत। तो स्कॉलरशिप का पैसा आया था तो मशीन खरीदी थी, और फिर जब मेरा दूसरा स्कॉलरशिप का पैसा आया, तो ये मेरा फ़ोन उस टाइम फ्लिपकार्ट पर से, ये है रियलमी C30, जो कि उस टाइम 7000 का था, अभी तो खैर इसका शायद कम हो गया है रेट, 6000 या 5000 का मिल रहा है, तो 7000 का मिला था। तो फिर 5000 ये, और अम्मी के पास एक अम्मी के पास एक छोटा फ़ोन था उस टाइम, पता नहीं
छोटा एक सैमसंग का कोई छोटा सा फोन आता है ना, मतलब बहुत छोटा रहता है, वो अम्मी के पास फोन था, मतलब वो खराब था, घर ही पे रखा था, वो खराब था। तो वो ना बनवाने में उसका शायद टच फूटा था, बनवाने में 300-400 रुपया उसका लगना था। तो अम्मी 300-400 रुपया लगा के और उसको बनवा दी, मतलब पूरा टच मच हो गया फोन। उसके बाद उसको हम लोग बेच दिए लो, तो वो बेचाया था 2,250 में, वो बेचाया था 2,250 का वो फोन बेचाया था। तब मैं वो अम्मी का पैसा 2,250 लेके और 5,000 अपना मिला के ये मैं अपना पहला फोन खरीदी थी, अपनी लाइफ का पहला फोन, जो कि ये 1 साल 1.5 साल तक चला। तो और ये मेरा सेकेंड फोन है जिस फोन से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो बहुत, मतलब किसी चीज़ के पीछे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है, चाहे एक छोटा ही चीज़ क्यों ना हो, किसी भी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है। और बहुत, अभी ये मैं नया वाला फ़ोन ली हूँ, ये भी मैं 4-5 महीने से सोच रही थी कि मैं फ़ोन लूँ, मुझे फ़ोन लेना है, क्योंकि ये वाला जो मेरा फ़ोन था तो मतलब अब कितना ही दिन चलेगा ऐसे अभी है, मतलब ये इसमें ये प्रॉब्लम है ना कि इसका कैमरा थोड़ा सही नहीं है और हैंग बहुत करता है। जैसे मैं कॉल लगाऊंगी किसी के पास, मतलब मैं इनके पास कॉल लगाऊंगी तो लगेगा इनके पास, मतलब थोड़ा हैंग करने लगा था फ़ोन। तो फ़ोन चेंज करना ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग जानते हैं लो, और मेरा काम ही है मोबाइल से, मुझे ब्लॉगिंग करना है, वीडियो बनाना है, तो ये तो मेरा हथियार है। मैं कहीं जाऊँगी, मान लीजिए मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी और पेन घर पर छोड़ दूँगी, तो फिर मैं एग्ज़ाम कैसे दूँगी? क्योंकि पेन हथियार है, उसी तरह मेरा फ़ोन हथियार है, क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना है, वीडियो बनाना है, तो इस वजह से ये फ़ोन लेना ज़रूरी था। तो ये भी मेरा रियलमी का ही फ़ोन है, पहला भी मेरा रियलमी ही और दूसरा भी मेरा रियलमी का ही फ़ोन है। तो ये रियलमी C30 है और ये रियलमी C67 है, बस मॉडल का फ़र्क है। और तो यही सब आप लोग से बताना था। और फिर भी कहने वाले इंसान क्या क्या कह देते हैं कि पैसे उड़ाती है, तो फिजूल खर्च करती है, तो ये वो, जो भी ABCD, जिसके मतलब जिसकी माइंड में जो सोच, जो इंसान सोचे, जिसकी जैसी सोच, तो लोग क्या क्या कह देता है। तो खैर, और बाकी जो लोग ऐसा सोचते हैं, जो लोग ऐसा कमेंट करते हैं, एक और चीज़ है, मेरे मेरे साथ कुछ अलग ही है। जैसे कमेंट लोग यहाँ देखता है तो लोग यहाँ नहीं कमेंट करता है, कमेंट लोग कॉल करके करता है, कमेंट लोग इधर उधर लोगों से करता है। तो मैं उन लोगों के लिए यही कहना चाहूँगी कि आप कभी भी सामने वाले इंसान को देख के नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके बारे में, कि सामने वाला इंसान कितना खुश है और क्या कर रहा है, कितना फिजूल खर्च कर रहा है, कितना क्या कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे सामने इंसान खूब अच्छा से एकदम टच मच हो के एकदम तैयार वार होकर खड़ा है, तो हम सामने वाले इंसान कैसे देख के थोड़ी अंदाजा लगाएंगे, हाँ सामने वाला इंसान खूब खर्च कर रहा है, खूब फिजूल खर्च कर रहा है, ये वो। कभी भी किसी को देख के हम जज नहीं कर सकते, नहीं अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि सामने वाले के अंदर क्या है क्या नहीं वो तो। आजकल ना इंसान किसी भी उम्र में हो, सबके पास टेंशन है, ठीक है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, 10 साल का बच्चा हो, 15 साल का हो, 20 साल का हो, 25 साल का हो, मतलब सबके पास टेंशन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास टेंशन नहीं है, कोई फालतू उड़ा रहा है, खर्च कर रहा है, लोग टाइम पास कर रहा है, ऐसा नहीं है। बस टेंशन का कैटेगरी अलग अलग होता है, जैसे वीडियो का कैटेगरी अलग अलग होता है ना, लिपसिंग वीडियो, डांसिंग वीडियो, व्लॉगिंग वीडियो, उसी तरह टेंशन का कैटेगरी अलग अलग होता है। बाकी टेंशन हर एक बंदे के पास है, एक जब बच्चा जब थोड़ा छोटा होता है ना, तो उसको उसको भी टेंशन रहता है, खिलौने का टेंशन, फिर थोड़ा बड़ा होगा तो स्कूल जाने का टेंशन, स्कूल से आएगा तो होमवर्क करने का टेंशन। तो उम्र के हिसाब से कैटेगरी अलग अलग होता है टेंशन का, ठीक है, लेकिन टेंशन हर किसी के पास रहता है। फिर थोड़ा बड़ा होगा, 15-16 के एज में होगा, तो बोर्ड की एग्जाम देने का टेंशन, बोर्ड का एग्जाम दे देगा तो फिर कमाने का टेंशन, अपना कुछ करने का टेंशन। तो सब मेरे ऊपर पड़ चुका है, जो मेरे ऊपर पड़ चुका है तब मैं बता रही हूँ। ठीक है, पहले मैं स्कूल जाती थी, नो टेंशन रहता था, बस होमवर्क का टेंशन रहता था, स्कूल में जाके स्टिक ना पड़े हाथ पे, पूरा याद करके जाना था, उस चीज़ का टेंशन, मतलब जो क्वेश्चन आंसर रहता था याद करके जाना था ताकि स्टिक ना पड़े हाथ पे, पिटाए ना, तो स्कूल टाइम में उस सब चीज़ का टेंशन रहता था। और जब बोर्ड का एग्ज़ाम दिए तो अब कुछ करने का टेंशन है, कि अपना लाइफ बनाने का टेंशन है, कुछ भी अपने ऊपर खड़े होने का टेंशन है। तो फिर जब बड़े होंगे तो किसी और चीज़ का टेंशन, किसी और, मतलब वो उम्र के हिसाब से टेंशन अलग अलग होते जाता है। जैसे अभी हमारे माँ बाप को बेटे बेटी बेटा बेटी का टेंशन, बेटा बेटी के शादी का टेंशन, तो
ये उम्र के हिसाब से टेंशन मतलब कैटेगरी बढ़ते जाता है, लेकिन टेंशन हर किसी को रहता है। तो कभी भी आप सामने वाले इंसान को देख के जज नहीं कर सकते हैं कि वो घूम रही है तो वो वीडियो बना रही है तो वो ये कर रही है। और खासकर ना ये जो लोग ये करके कॉल करके आ इधर उधर करके जो लोग कमेंट करते हैं लोग और उल्टी सीधे बातें करते हैं लोग, उन लोग के लिए मैं ये बात बोल रही हूँ। बाकी जिसके अंदर जितना दिमाग होगा उतना लोग समझेगा। खैर अब वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो चुका है, इसका मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी और मैं जितना समझाना होगा प्यार से मैं समझा रही हूँ। बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग जैसा सोचे लो, अच्छा सोचे लो तो अच्छा, बुरा सोचे लो तो बुरा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मैं अपना काम कर रही हूँ। और बस नेक्स्ट पार्ट आएगा तो इससे आगे मैं बात करूँगी।